हजरत अबू इसहाक इब्राहिम बिन अधम बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह जिला बल्ख से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह आप पर राजी हो। आप बादशाहों की औलाद में से थे। एक दिन आप शिकार के लिए तशरीफ ले गए। आपने खरगोश को दुड़ाया और आप इसकी तलब में थे तो गैब से एक आवाज आई, ऐ इब्राहिम, क्या तुम्हें इस काम के लिए पैदा किया गया है या तुम्हें इस बात का हुक्म दिया गया है? फिर आपकी जीन के पिछले बुलंद हिस्से से आवाज आई, कसम बा खुदा, तुम इस मकसद के लिए पैदा नहीं किए गए और ना तुम्हें इस बात का हुक्म दिया गया है। बस आप अपनी सवारी से उतर गए और अपने वालिद माजिद के चरवाहे के पास तशरीफ ले गए। चरवाहे का ऊनी हुब्बा लेकर पहना और अपना घोड़ा माँ साजो सामान इसे दे दिया। फिर जंगल में तशरीफ ले गए। इसके बाद मक्का मुकरमा में दाखिल हुए और वहाँ हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह और फजील बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत अख्तियार की। फिर शाम तशरीफ ले गए और वहीं आपका इंतकाल हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ की कमाई से खाते, मसलन खेती काटना या बाघों की हिफाजत वगैरह करना। उन्होंने जंगल में एक शख्स को देखा जिसने इनको अल्लाह का इस्म आजम सिखाया। इसके बाद उन्होंने इसे पुकारा तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने फरमाया, आपको मेरे भाई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का इस्मे आजम सिखाया। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह तक्वा में बहुत बड़ी शान के मालिक थे। इनसे मनकूल है कि उन्होंने फरमाया, तुम अपना खाना तलाश करो और तुम पर कोई हर्ज नहीं कि तुम रात को नवाफल के लिए खड़े न हो और न दिन को रोजा रखो। कहा गया कि आप आम तौर पर यह दुआ मांगते थे कि या अल्लाह मुझे अपनी नाफरमानी की जिल्लत से अपनी अताअत की इज्जत की तरफ पलट दे। हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि गोश्त महंगा हो गया है तो उन्होंने फरमाया, इसे सस्ता कर दो यानी ना खरीदो। फिर उन्होंने इस सिलसिले में ये अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ तो वो महंगी होने की बजाय सस्ती हो जाती है।